हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की शुरुआत प्यारे प्यारे फूलों के साथ, तो बहुत प्यारे प्यारे से फूल हैं जो खिले हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दिया जाए। और सुबह उठ के जब इस तरीके की चीज़ें देखो ना, तो दिल एकदम खुश हो जाता है। और सुबह होते ही हमारे घर में जो है भजन चलने शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर मेरा फेवरेट जो भजन है वो चल रहा है। और साथ ही साथ मैं अपने और काम भी निपटा रही हूँ, तो मैं शावर लेके आ गई हूँ। अब थोड़ा बहुत फेस पे मॉइस्चराइज़र वगैरह मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि आजकल की हवा पता नहीं कैसी चल रही है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है स्किन। उठने के बाद जो है ना भजन सुनना और अपने थोड़े बहुत लगाए हुए पेड़ पौधों को देखना, इस तरीके की पॉजिटिव चीज़ें करनी चाहिए, तो ऐसा होता है कि पूरा दिन जो है पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो फिलहाल मैं मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ, क्योंकि पूरे घर की तो सफाई हो चुकी है, लेकिन मंदिर वाले रूम में बिना नहाए मैं नहीं जाती हूँ। तो बस नहाने के बाद मंदिर वाले रूम की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करूँगी मैं, और अब ये जो मंदिर के बर्तन हैं इनको धोऊँगी अच्छे से। और ये जो मंदिर की प्लेट्स हैं और दिए हैं, इनको मैं 2 से 3 दिन में धोती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे से चमक गए हैं, मैंने पीतांबरी से बहुत अच्छे से इनको क्लीन कर लिया है। और इसके बाद जो है ना मुझे पूजा करनी है। और अभी इन गीले बर्तनों को जो है मैं एक साफ़ कपड़े से पोंछ लूँगी, और मंदिर के लिए मैंने साफ़ कपड़े अलग से रखे रहते हैं जो कि सिर्फ मंदिर में ही यूज़ होते हैं। तो 2-3 कपड़े जो है मैं मंदिर के लिए हमेशा रखती हूँ। और अगर हम सुबह की शुरुआत जो है पूजा करने के साथ करते हैं ना, तो पूरा दिन बहुत अच्छे से जाता है। और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले दूध रख दूँगी बॉईल होने के लिए। और अब ऐसा हो गया है कि अगर दूध तुरंत बॉईल नहीं किया ना, तो फटने का डर रहता है, क्योंकि अब गर्मी होने लगी है। और साथ ही राजमा हैं जो कि मैंने एक रात पहले भिगा दिए थे, और अब इनको भी मैं बॉईल होने के लिए चढ़ा दूँगी। तो ये सारे काम जो है ना मैं नाश्ते के ही टाइम कर लेती हूँ, ताकि जब मैं लंच बनाऊँ तो मेरे लिए ज़्यादा काम ना रहे। और एक दिन पहले ही मेरे को सोच के रखना पड़ता है कि नेक्स्ट डे मैं क्या बनाने वाली हूँ। राजमा भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, दूध भी रख दिया है, साथ ही साथ फटाफट आटा भी मैं गूंद लूँगी। अभी सुबह नाश्ते के लिए मुझे सब्जी नहीं बनानी है, क्योंकि एक रात पहले मैंने सब्जी बनाई थी तो वो बची हुई है। तो सिर्फ इस समय जो है ना मुझे रोटियां ही बनानी है। और साथ के साथ जो है मैं एक पपाया भी कट करूंगी। तो आजकल सुबह नाश्ते में मैं पपाया खाने लगी हूँ, तो ऐसा होता है कि पपाया खा लो ना, तो फिर ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, यही इनफ होता है, पेट भर जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए पपाया कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लग चुकी है बहुत तेज़ भूख। तो बच्चे अभी सो के उठे हैं और वो नहाने गए हैं, तो मैंने सोचा जब तक वो नहा के आते हैं तब तक मैं पपाया खा लेती हूँ, क्योंकि जब सुबह उठ जाओ तो भूख भी बहुत जल्दी लग जाती है। और अब जो है इस वाले रूम की मैं बेडशीट चेंज करूँगी। सफाई कर रही थी ना, तब मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी, क्योंकि बच्चे जो हैं सो रहे थे यहाँ पर। तो मैंने सोचा चलो जब वो उठ जाएंगे तो उसके बाद ही मैं ये सारे काम कर लूँगी, वरना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब तक मैं अपने घर के और काम निपटा रही थी, तब तक ये देखिए दूध बॉईल हो चुका है, अभी राजमा बॉईल हो रही है, और मैं बना लूँगी फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी है, मुझे तो नहीं खाना है क्योंकि मैंने तो खा लिया है पपाया। तो बस बच्चों के लिए बनाऊँगी और इनके लिए बनाऊँगी। और यह है इवनिंग टाइम, तो दोपहर का
का लंच करने के बाद वंशिका लग गई है पेंटिंग में, तो वाटर कलर कर रही है। आजकल नया शौक लगा है, इतने अच्छे से तो नहीं कर रही है लेकिन वही है कि कोशिश करती रहती है कुछ भी नया ट्राई करने का। और मैं आ गई हूँ बैल्कनी में, थोड़े बहुत कपड़े हैं जो सुखाने हैं। और आजकल सुबह के टाइम दोपहर के टाइम इतनी तेज़ हवा चलती है ना कि बड़ा गुस्सा आता है, एक तरफ से कपड़े सुखाओ और वो जो है ना दूसरी तरफ से उड़ते हुए चले जाते हैं। इवनिंग की जो है चाय भी बन चुकी है और अब थोड़ी देर आराम से बैठ के हम लोग चाय पिएंगे। और यहाँ तो चाय पीते हुए भी शांति नहीं मिलती है। चाय लेकर तो आई थी कि शांति से पीऊँगी, लेकिन जब देखा टेबल पे पूरा सामान जो है बिखरा पड़ा है तो सोचा पहले इसको ही समेट देती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अपनी शाम की चाय ख़त्म करने के बाद जो है मैं आप लोगों से बात करने के लिए आ गई हूँ। और आज जो है आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें करनी है, आपको कुछ सच्चाई बतानी है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें मेरे मायके के व्लॉग्स हैं और मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ तो मैं अपने वीडियोज़ ज़रूर बनाती हूँ, आपने देखा होगा। और उसी चीज़ से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे से एक ही बात पूछते हैं और पूछते हैं कि दी आप हमेशा अपने मायके जरूर जाती हो और आप अपने मायके जाती हो और आपकी मम्मी कैमरे के आगे आती है लेकिन आप कभी ससुराल नहीं जाती हो और ना ही आपके ससुराल वालों को कभी हमने देखा है, ना ही वो आप लोगों से मिलने आते, ना ही आप कभी ससुराल जाती हो, तो ऐसा क्यों है? और कैमरे के आगे आपकी मम्मी तो दिखती है लेकिन आपकी सासू माँ नहीं दिखती है कैमरे के आगे, हमने उन लोगों को कभी नहीं देखा है। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जी हाँ, मायके मेरे जो है राउंड लगते रहते हैं और स्पेशली पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग 2-3 महीने के लिए वहीं फंस गए थे, तो प्रॉपर वहाँ के व्लॉग आए तो शायद उसको ही देख के आप लोगों को लगा होगा। और बीच बीच में भी जो है मायके मैं जाती रहती हूँ तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठते होंगे ना कि क्यों ऐसा होता है कि दी हमेशा अपने मायके को ही दिखाती है, अपने ससुराल को नहीं दिखाती है। लगा कि शायद अब आप लोगों को बता देना चाहिए क्योंकि आप लोगों का भी मन में बहुत इच्छा होती है इन सब चीज़ों को जानने की। ऐसा नहीं है कि मैं ससुराल नहीं जाती हूँ और ना ही ऐसा है कि वो लोग यहाँ पर नहीं आते, मैं अपने ससुराल भी जाती हूँ और मेरे ससुराल वाले भी हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ आते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट सिर्फ चीज़ इतनी होती है कि जब मैं वहाँ जाती हूँ या वो लोग यहाँ आते हैं तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ और ना ही मैं बनाती हूँ। अच्छा, उसका रीज़न भी मैं आपको बता दूं, मुझे उन लोगों के सामने वीडियो बनाने में थोड़ी सी शर्म आती है क्योंकि मैंने आज तक उनके सामने कोई वीडियो बनाया नहीं है, तो मुझे अजीब सा लगता है कि ट्राइपॉड उठा के कैमरा उठा के सब जगह वीडियो बनाना, तो मुझे पर्सनली भी जो है ना अच्छा नहीं लगता है। और जब वो लोग भी यहाँ पर आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने कैमरे को लेकर घुमाती रहूँ चारों तरफ और सबको दिखाती रहूँ, तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता उन लोगों के सामने वीडियो बनाना। ऐसा नहीं है कि उनको कोई इस चीज़ से दिक्कत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मुझे ही नहीं अच्छा लगता तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। हाँ, एक वीडियो मैंने बनाया है, आप कभी जाके देखिएगा मेरे पहले के वीडियो में, रक्षाबंधन के टाइम पे मैं वहाँ पर गई थी तो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था जिसमें मैंने अपने ससुराल वालों को आपको दिखाया था और वो शायद आप लोगों ने नहीं देखा, या कुछ जो नए लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं अभी जुड़ रहे हैं उनके दिल में एक होता होगा कि ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। और जहाँ तक रही मायके की बात, तो मम्मी जो है कैमरा फ्रेंडली है, मम्मी कैमरे के आगे आ जाती है बहुत आराम से, मम्मी को कोई वो नहीं लगती है। लेकिन क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, बहुत ही जल्द मैं आपको अपने ससुराल का वीडियो भी बना के दिखाऊंगी, ससुराल जब भी गई तो वहाँ का व्लॉग ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगी, आपको सबसे मिलवाऊंगी कौन कौन है ससुराल में, इसलिए टाइम दीजिए क्योंकि जब भी मेरा जाना होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर जो है उन लोगों से मिलवाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को आपके इन कुछ सवालों का जवाब मिल गया होगा। ये रीज़न है कि मेरे कैमरे के आगे मम्मी तो आती है पर सासू माँ नहीं आती है तो मतलब आपको कैमरे में मम्मी दिख जाती है और सासू माँ नहीं दिखती, लेकिन प्रॉमिस मैं आप लोगों से कर रही हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग जब भी मैं ससुराल गई तो वहाँ का व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी और आप लोगों को सबसे ज़रूर मिलाऊंगी। और यहाँ पर विदांश खेल रहा है अपनी न्यू कार के साथ, तो न जाने और भी कितनी कार पड़ी हुई है लेकिन इसको जो है ना तसल्ली नहीं होती है, एक नई कार दोबारे से जो है इसने ऑर्डर कराई है। और साथ ही मैं कर रही हूँ किचन में लंच की तैयारी और लंच में बन रहा है आज गट्टे की सब्ज़ी। और इसी के साथ जो है मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। तो ये था मेरा व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।